रमजान में फ्रेंड्स बाल सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर वक्त सर बंधा रहता है और सूखे नहीं पाते बाल। सबसे पहले ड्रायर से बाल सुखाएंगे। आज मुझे ये सब सेट करना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है ये सारी चीजों को, ये तो किचन में रहते हैं या कुछ करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबके जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। उम्मीद करते हैं आपके भी रोजे अच्छे जा रहे होंगे। अभी जोहर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब नीचे चलते हैं, जरा थोड़ी देर हम भी सलाम दुआ करके आते हैं। सनी भी सैलून चले गए। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाल कटवा लिए, सर की नमाज भी पढ़ ली है, बाल कटवा के नहा के रेडी हो गया हूँ। अभी चलते हैं और देखते हैं अफ्तार का क्या करना है। सबाई कुछ तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आज वो लेटी हुई है, हल्का फीवर जैसा है। तो फ्रेंड ये है अफ्तार आज का, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा है। अभी हो रहा है 6:40 और हम जा रहे हैं नीचे भाई भाभी के यहाँ रोजा अफ्तार। इसकी तबीयत खराब हो गई आज, कमजोर है तुम। ये लो अफ्तार के बाद पहली चाय। बहुत गर्म है यहाँ से पकड़ने से। इसके नीचे सॉसर भी होना चाहिए। अब सॉसर तो नहीं, मेरे पास सॉस पड़ा है, ला के दे दूँ अगर कहो तो। फ्रेंड अभी सारे काम खत्म करके अब लोग आ गए हैं अभी खाना खाने, क्योंकि सब बहुत ज्यादा थकी थी, उसके दिन में तबियत भी खराब थी, क्योंकि आज कुछ भी करने का दिल नहीं था। और इसलिए आज ये पार्टी मेरी तरफ से इन सबके लिए, एक जो शूट कर रहा है ये भी आज पहली बार हमारे साथ में आया है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग कैसे हैं? अच्छे है ना? अच्छे हैं। घर की याद तो नहीं आ रही है? नहीं, घर की याद तो आती है कभी कभी। कभी कभी आती है घर की याद तो आती है कभी। पहले मुझे लगा कि नहीं आती, लग रहा है तुम्हें आती है घर की याद? यहीं पर रहते हैं, अम्मी भी यहीं पर। आपसे पूछना चाहिए मुझे घर की याद। इसको यहाँ पे कैद करके रखा, पिंजड़े में डाल दिया, पिंजड़े के अंदर मुझे, मेरी जान इनके हाथों में कैद है, बाकी सब कट जाएगा। नहीं कटेगा। बेटी खाला को आज सहरी में फ्रेंड्स ब्रेड खानी है, तो हम लोग ढूंढते हुए फिर रहे हैं। रात में 12 बजे ब्रेड यहाँ पे लोग गए लो, ये ब्रेड रहते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं नीचे वॉक करने के लिए, मौसम की हवा लेने के लिए। वॉक हो चुकी है फ्रेंड्स, थोड़ी देर की सही लेकिन हो चुकी है, अब चलते हैं ऊपर। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कल की अनबॉक्सिंग के बाद सब कुछ फ्रेंड्स ऐसे ही पड़ा हुआ है। अफ्तार भी आज भाभी भाई के घर था तो कुछ भी नहीं आज यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन अब मुझे उलझन हो रही है सारी चीजें देख के, तो मुझे अब ये ठीक करना पड़ेगा। वॉक करने के आने के बाद सनी ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है पारा पढ़ना, क्योंकि तुम मुझसे एक पारा एक्स्ट्रा तुमने बिना बताया पढ़ लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारे बराबर आना है। ये कोई बात होती है? कौन आगे कौन पीछे इससे कोई फर्क नहीं है, बस अल्लाह कबूल फरमाए। आप तो आराम से आके लेट गए, अब क्या करोगे? अब थोड़ी देर आराम करूँ। आज तो हम लोग ने बहुत लेट डिनर किया, हम लोग ज्यादा सहरी में नहीं खाने वाले, बस सिर्फ आज दही खाना। मैं खाऊंगी फ्रूट्स। मुझे इंस्टाग्राम की सारी अनबॉक्सिंग की है ना फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में सारे कपड़े ऐसे ही डाल दिए थे, उनको हम अच्छे से तय बना के रखते। कुछ काम करो तो ये सबसे अच्छी चीज होती है, क्योंकि बार बार दुपट्टा संभालो, हर क्लिप के पास नहीं कहते दुपट्टा पीछे जा रहा है, दुपट्टा पीछे जा रहा है। आधी बार तो हमारी क्लिप खराब हो जाती है, कुछ अच्छा बोल रहा है, कुछ शूट हो रहा है, दुपट्टा खिसक गया, इसलिए तो ये ज्यादा अच्छा है। पता है मेरा मुंह थोड़ा और भी ज्यादा अजीब सा लग, गोलगप्पे जैसा मुंह है, ऊपर से ये बांध लो तो पूरी नेक छुप जाती है, तो और ज्यादा मोटा लगता है, लेकिन ठीक है मुझे कम्फर्टेबल है और अच्छी चीज है, इसलिए मैंने ये पहन लिया। बहुत बात हो गई, काम में लग जाते हैं। और इस बार होगा इंस्टाग्राम भी इंशाल्लाह, और जल्दी होगा। ये खुल गया सभा के जहाँ का पिटारा, ये मेरा हाथ पैर किसे टांगा यहाँ पे? क्योंकि अभी टांगने की जगह नहीं है, आप सही कह रहे थे। अब ये क्यों लेके बैठे हो? गिवअवे कर देंगे इसका। चुप रहो। क्यों? अरे भैया ये बताओ वॉश मशीन है यार, गिवअवे कर देंगे किसी काम आ जाएगा। चुप रहो जाओ, इसको बाहर रखे हो। फ्रेंड्स ये हमारे वॉशरूम से निकला है, और क्यों निकला है आपको बताते हैं। फ्रेंड थोड़ी देर के लिए हमने काम अपना रोक दिया है, क्योंकि सभा काम करते करते आने लगी उल्टी जैसा, तो हम बैठे ठीक है मत उठ। क्या हो गया? खाना नुकसान कर गया। खाना नहीं, रात रात भर जाग रहे ना, वो नुकसान कर रहा है हमें। काम का इतना टेंशन, इतना सारा काम लेके बैठ जाती हो। तो फ्रेंड्स सभा की हो गई तबीयत खराब, अभी यहाँ पे हम दूध गर्म कर लेते हैं ताकि उसको सहरी दे दें। ये हो रहा है यहाँ पे दूध गर्म, दूध और ब्रेड दे देते हैं, वो सहरी करके सो जाएगी। और फ्रेश से निकाल लेते हैं उसकी ब्रेड, ये रखी है उसकी पता नहीं कौन सी वाली ब्रेड है, अजीब सी ब्रेड भी निकाल दी, पता नहीं ये कम नुकसान करती है क्या है, मुझे नहीं मालूम भैया। हमें तो जिंदगी भर वही वाली ब्रेड खाई है, लेकिन शायद कुछ हेल्दी होगी। अभी ठीक है तबीयत, चलो कर लो जल्दी सहरी ठीक है। तो फ्रेंड आज की मेरी सहरी है सिर्फ दही, ये रहा मेरा दही,
मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल जो है वो साफ कर रही हूँ, डीक्लिटर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सारे अपने आई शेडोज जो है वो जमाती जा रही हूँ। ये मेरा ब्राउन वाला पैलेट है और ये वाला पिंक और न्यूड वाला टाइप है। ये मेरा ब्लश पैलेट है, ये आईब्रो के लिए है, सनस्क्रीन है। क्लीनिंग कर रही थी, सब अच्छे से सेट करके रख रही थी। चलिए बोलते लाओ मैं भी करा लू। उन्होंने कहा ठीक है। आप ये ब्रश से क्या कर रहे थे बताओ? इससे कचरा निकालना था इसका। ये मेकअप ब्रश है तो क्या वो कचरा तो निकालना पड़ेगा ना, ब्रश निकले गई है। आराम से फ्रेंड्स ये ब्रश लेके पूरा अंदर अंदर से इसको, ये इस काम के लिए होता है। लोग पहले नहीं करते थे वाले ब्रश से कुछ भी साफ कर लेते, चप्पल जूता सब साफ कर लेते लोग। मुंह पे लगाना है ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं, रख दो, मुझे क्या मालूम यार। सनी ऐसी अजूबे वाली चीजें करते रहते हैं। ये सेट हो गया है, उसके बाद बेडशीट भी चेंज करनी है। बेडशीट अकेले चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सनी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है। वहाँ पे मैंने पूरे ड्रेसिंग के आसपास की सारी चीजें डीक्लटर कर ली है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मतलब छांट के सब कुछ अच्छे से जमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज भी हो चुकी है, अब चलते हैं मम्मी से मिल के आते हैं। यहाँ पे देखिए स्किन केयर की चीजें हैं, यहाँ सारे परफ्यूम्स हैं, यहाँ पे ऐसे ब्रशेस सारे रखे हुए हैं। ब्रशेस को धोना है, अभी सनी ने गंदे कर दिए हैं। यहाँ पे भी हो गया, और यहाँ पे सारी लिपस्टिक्स और जो डेली में यूज होंगे ना वो सब। बेडशीट हमने डेली हार्ट से ली थी, वो वाली अभी यहाँ पे निकाल के बिछा दी है। अभी इसकी पिलोज भी रखना है। और आज सोच रहे हैं बालकनी का भी मेकओवर कर ले, जो हमें करना था, वरना रमजान निकल जाएंगे। ये ऊपर सामान रखा हुआ था हमने, और ये अम्मा के खजूर वाले, यहाँ पे कॉर्न फ्लेक्स है, वो वाला वो म्यूजली है, बताना रोजा खोलने दूध से खा, शाम को रोजा खोलने के बाद आराम से बता। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। वालेकुम सलाम बेटा, तुम का जुमा मुबारक। अम्मा सूट तो अच्छा लग रहा है। हाँ, सितारा ने दी है। अच्छा अम्मा, तुमने मांगा था अपनी मर्जी से दी है? अपनी मर्जी से दी है। अच्छा, मैंने पहले वो मांगे थे, फिर उन्हें अपनी मर्जी से दी है। अच्छा लग रहा है। बुक्स मिल गए, नमाज हो गई। हाँ जैसे कि आप सबको पता था कि हमें अपना बालकनी का मेकओवर करना था, लेकिन तीन चार दिन लेट हो गए, हमें रमजान से पहले करना था, लेकिन हम आज कर रहे हैं अपना बालकनी मेकओवर। होपफुली आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए हम छोटी मोटी चीजें लेने के लिए यही मीरा रोड में DIY है, वहाँ पे जा रहे हैं। पहुँच गए फ्रेंड्स हम लोग DIY, चलते हैं। शुक्र है इस वक्त DIY खाली है, वरना इतना भरा होता है। इससे पहले जब हमारे अंदर सामान लिया था और बिलिंग के टाइम रख के चले गए थे। दिख रहा है आपको वॉलपेपर? मैं नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वुडन वाले भी हैं, ये भी है। कौन सा लोगी? पिंक वाला? पिंक लोगी? आप बताओ। ले लो, लड़कियों पसंद कर लो जो भी चाहिए। यहाँ पे हमें इकट्ठा करने पड़ेंगे, इतने तो हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इतने बालकनी में आ जाएंगे, क्योंकि पिंक हमने सारे उठा लिए। ये वाला मुझे वॉशरूम के लिए चाहिए। अच्छा ये मिल गया है, ये सही है, ये भी पकड़ो। जैसे एग्जाम देखिए आई है तो सो रही है, वरना आज वो आती ना तो वो पागल ही हो जाती, क्योंकि उसको आराम से सब कुछ देखने के लिए मिलता, क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ सुकून से देखो आप। बहुत ज्यादा हो गया सामान, गिरा दिया फ्रेंड्स सनी ने वहाँ पे। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे ढूंढना है कपड़े धोने वाला ब्रश, आपको कहीं दिख रहा है तो बताओ। ये है क्या फ्रेंड्स? एक ये टूट गया, मेरी नजर लग गई। क्या लिया है? फ्रूट ये लाया हूँ, देसी वाली खरबूजा और बिल्कुल पीले वाले अंगूर लाए तुम्हारे लिए मीठे। हमारे वहाँ पे कोई जानते हैं तुम्हें, हम आपके सबसे ब्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग और आप बहुत हंसाते हो। 4 बजे के बाद से इसकी सत्ती खत्म हो जाती है, ताकत माने नहीं नहीं है ताकत। तो फिर क्यों नहीं बोल रही? क्या बनाओ? उल्लू बना दो। इफ्तार का टाइम होने वाला है, इफ्तार होगा आज भाई भाभी के ही घर पे। मीठे नहीं हो पाते क्योंकि जगह छोटी पड़ जाती है, इसलिए कभी मेरे घर पे कभी भाई के घर पे, क्योंकि हॉल थोड़ा सा बड़ा है। बेटी खाला बना रही है अपने पकौड़े, मैं सोच रही ब्रेड रोल बनाने का ट्राई कर लूं। कुछ तो मन करता है कभी नया बनाने का, तो ये ब्रेड क्रम अभी रख लिया है, ब्रेड आने वाली है। और आलू ये वाले उबल रहे हैं, तो इसमें अभी हम जो आलू का मसाला बनाएंगे उसका हमने ये सारी चीजें ले ली है। अम्मी इतने अच्छे अच्छे सूट, मैंने भी आज पता है ऊपर अलमारी साफ की। अम्मी जो भोपाल के शादी के टाइम के सूट लेने गए थे, अभी तक नहीं पहने, वो निकाले। कंचुमरी का वैसे भी अच्छी नहीं। अम्मी इतने अच्छे अच्छे पहन रही हो शादी के टाइम के, तो नहीं उछल गया था, पहन नहीं पाए थे। हाँ मेरे भी निकले, आपको दिखाऊंगी फिर शादी के टाइम के। रोज अभी चमक चमक के पहन, मैंने भी आज लाल निकाल के पहना। रमजान में तो थोड़े पहनने चाहिए का महीना है ना, मैं लाल पहन रहा हूँ पहले है ना अपना नया। अल्लाह सबको नसीब करे। आज मैं इतने अच्छे ब्रेड रोल बना रही हूँ, वो भी पहली बार इंशाल्लाह। अब सब लोग बोलोगे कि अब तक कहाँ थी सभा, तुम्हारे हाथ का कुछ क्यों नहीं खाया। हमारा सैलन तो देखो, कल हम लोग इतने थके थे ना, हम लोगों के घर पे कुछ बना था ना, कल नीचे कुछ अच्छा बना था, नीचे के हमारे टिंडे परवल परवल, तो हम लोगों ने कल गलती कर दी, बाहर जाके भूख के चक्कर में खा लिया। हमारा भी तबीयत खराब हो गई थी, पेट खराब हो गया, सनी का भी पेट खराब। पता है परवल सब सब्जियों का बादशाह है। अच्छा ताकतवर।
अंडे, अंडे आलू, अंडे बोलोगी तो अंडा करी हो जाएगा। ये है अंडा आलू। चिकन का बनाऊंगी इंशाल्लाह। चिकन समोसा बनाओ, चिकन समोसा। मुझे फ्राइड आइटम पर्सनली वेज ज्यादा पसंद है। हमको नॉन वेज वाले बहुत पसंद है। रिजा को, रिजा तो वेजिटेरियन ही है। तुम वो मंगा लो समोसा पट्टी, आती जो बनी बनाई मसाला उसका बना के वो बनाओ कल, ठीक है। हमारा इतना ज्यादा मन कर रहा है फ्रेंड्स, मैंने कल भी बोला था कि वो खाने का जो मिक्सचर ऊपर ड्राई फ्रूट से खाते हैं फेनी में डाल के, चार रोजे होने को है, मैंने अभी फेनी खाई नहीं क्योंकि जब वो बन जाएगा और वो अम्मी और बेटी खाले लोग ही बना पाएंगे। आज इंशाल्लाह बना के तुम्हें देते हैं आज। हाँ, इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब ये मत करना कि चम्मच से कर लेते हैं, हाथ मेरे एकदम धुले हुए हैं फ्रेंड्स, हाथ से जल्दी हो जाता है। जिसको चम्मच से करना हो चम्मच से कर ले। बहुत करो, हाथ से करो तो हाथ दूसरा पकड़ के धो लो। अच्छे से हाँ, हर किसी का तो नहीं खा सकते ऐसे ना आपको। सही बात है, नहीं सफाई बहुत जरूरी है और क्या, कोई भी चीज में। पूरी इसमें चिपक गई तो उसको पहले निकालो ब्लेड बाहर। नमक अंदाजे से बेटी खाने से डरवा रही है कि मुझे अंदाजा नहीं मिलेगा। अब इसमें और मसाले, जीरा पाउडर, वो सब। ब्रेड को एकदम हम कॉर्नर्स कट कर लेंगे। दुनिया में मुझे लग रहा है तुम पहली हो जिसको मैंने देखा ऐसी ब्रेड काटते हुए। पूरी बराबर बर्बाद हो रहा है ना, ये भी तो खा सकते हैं ना। थोड़ा सा और इसको काट लो ना तो उतना और खा लेना ना। इतनी छोटी सी ब्रेड बचेगी फिर गोला नहीं बनेगा उसका। बन जाएगा गोला। अभी तो मैं तो और काट दूंगी। लो इतनी सी बचेगी फिर बीच में आलू कैसे आएगा। ये तो सही है, पानी बड़ा ब्रेड मंगाना चाहिए था बड़ा वाला। पहले आलू के अंदर इतनी चीज है और का जितनी आ जाए आलू के अंदर उतनी भर दो। हल्का ज्यादा नहीं, बस अभी पानी को इसको वो करो। आता है मुझे ब्रेड मत तोड़ देना, जल्दी जल्दी बनाओ ना। हाँ एक घंटा लगा रही है। टूट गई ब्रेड, तो बोला ब्रेड बासी थी। ए भैया बन गया लग रहा है, आज शाम तक कल तक बन जाएगा। बस अभी दबा दो पूरा अच्छे से। तो खुल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगली बार आलू थोड़ा छोटा बना दे। दबो दूं, बहुत मोटा मैदा हो गया। अब गार्निशिंग हो रही है। हर चीज तरीके से धीरे धीरे आती है, पहली बार में नहीं आती है। अब इसको जल्दी से निकाल लूंगी ऐसे। अब ये दबा दूंगी, तोड़ दूंगी। नहीं तेजी करो, बहुत तुम धीमे धीमे कर रही हो। काम बड़ा कठिन है, टाइम बहुत कम है। मैदा बहुत मोटा है। ठीक है तभी तो उसमें आएगा। कच्चे निकाल के फ्रेंड्स हम लोगों ने गोल-गोल कच्चे निकलवा दिए क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते थे। आराम से हाथ बचा लो, ये थोड़ा खुल जाएगा। ये सही बना है, इसको निचोड़ते हैं। हर एक के बाद एक चीज नई सीखने को मिलती है। सही बात, लड्डू अच्छा लग रहा है ना। माइक भी रहा है अच्छे। फ्रेंड्स सब लोग ऊपर चले गए क्योंकि ऊपर भी प्लेट्स लगानी होंगी। मैं बस ये फ्राई करके जा रही हूँ। मुझे हंसी आ रही है, कैसा टेस्ट होगा। क्या तुम कौन सा चिकन के बना रही हो? आलू के हैं, अच्छा ही होगा। आलू की कोई वो नहीं है, चिकन के आलू आलू कुछ नहीं होता है। ऐसे नहीं करते, आलू लवर्स आपको ना बहुत सुनाएंगे। मैं खुद आलू लवर हूँ, अगर जिंदगी में आलू ना होते हमारे तो क्या होता। हर चीज में आलू, आलू बैगन, आलू मेथी, आलू पालक, दुनिया की हर सब्जी में आलू, आलू गोश्त, आलू। तुम्हारा शुक्रिया, अल्लाह ताला शुक्रिया जो आपने आलू बनाया। फ्रेंड्स बिहाइंड द सीन, जल्दी जल्दी इफ्तार के चक्कर में घर कैसा कर दिया, आके साफ करके जाऊंगी वरना मम्मी दोबारा कुछ बनाने नहीं देगी। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं फ्रेंड ऊपर, अभी करेंगे इफ्तार सब लोग। चल के अंदर आ चुके हैं फ्रेंड्स ऊपर, अभी बस टाइम है 10-15 मिनट तो प्लेट्स लगने का काम हो रहा है। यहाँ पे भाभी का कुछ बन रहा है। क्या बना रही है? अरे मेरा कल जो फ्लॉप हो गया। क्या? मैंने चिकन, अब तो मुझे बोलने में शर्म आ रही है, चिकन बोट्स बना ट्राई किया। अच्छा बोट्स, सनी बोल रहा भाभी कुछ लाई थी आसपास, आटा था बीच में चिकन था उसके बाद पता नहीं। आटा कच्चा ही रह गया। अच्छा, मैंने दूसरी बार ट्राई किया तो पका, लेकिन वो मतलब मुझे इतना वो अच्छा माइंड बना था इसलिए मैंने किसी को नहीं खाया। अच्छा, उसकी फिलिंग बच गई थी तो आज मैंने वो फिलिंग डाल के सैंडविच। अच्छा पकौड़े, जैसे हम आलू भरते हैं ऐसे चिकन भर दिया। अच्छा सनी बोल रहा था तब से अभी चार रोज हो गए कुछ नॉन वेज का बना ही नहीं, आलू आलू आलू, तो उसको चिकन का मिल जाएगा। होप सही बनाऊं। नहीं अच्छा होगा, सही है भाभी पक्का। और अभी बनाया 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर जल्दी परफेक्ट बना। सही है, बहुत नमक वमक नमक बेटी खाने ने डाल दिया था, सब परफेक्ट है। अभी है तो खाने में अच्छा भी लग रहा है। मम्मी आप भी खा लेना, अम्मा को भी देना, ये लो। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स इफ्तार अच्छे से हो रहा है, सब लोग साथ में बैठते हैं, बहुत खुशी होती है। और फर्स्ट टाइम ब्रेड रोल बनाए थे, अच्छे बन गए फाइनली। और भाभी के सैंडविचेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो पापा वही बोल रहे थे मैंने सैंडविच खा लिया है, हम लोग बस हंसी मजाक कर रहे थे। एक पानी का बर्तन लाओ बड़ा, उसमें डाल दो। नहीं नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, नहीं नहीं निकले। ये देखो बेटी खाला की पसंद मैंगो, ऑरेंज 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 है ना। ये देखो कैसी है,
अच्छी बहुत ठंडी अच्छी है अच्छा है बहुत है ना बहुत अच्छी बहुत ठंडी है बेटा वाली जमाएंगे ठीक है रसना होता है ना अच्छी चीज है ना रसना दे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बालकनी मेकओवर जो है वो स्टार्ट हो चुका है सबसे पहले नीचे ग्रास लग जाए ये कोई फिक्स होता है क्या इसमें हाथ नहीं चिपकता आप लोगों का नहीं उतना नहीं पकड़ता ना बच गया है तो ये डोरमेट का आइडिया किसका है वाह भाई ग्रास तो लग चुकी है फ्रेंड्स अब ये वाले हम वॉल पेपर लाए ये यहाँ पे लगेंगे कट भी करना पड़ेगा क्या बालकनी मेकओवर फ्रेंड्स चल रहा है इंशाल्लाह आपको फाइनल वाला नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा डीआईवाई से आज हम और भी जो चीजें लाए थे वो आपको दिखा देते हैं ये हम लाए हैं अपना वॉशरूम जब घर थोड़ा ठीक हो जाता है उसके बाद वॉशरूम भी अच्छे से सिस्टमेटिक जमा होना चाहिए ऐसा लग जाएगा वॉशरूम में तो जो चीजें रखनी है किचन में हमारी कैंची नहीं थी सब कुछ था तो कैंची लेके आए बालकनी के लिए ऊपर से लगाने के लिए ये हम लेके आए हैं वहाँ पे बहुत अच्छे ये मिरर्स भी थे और डिफरेंट लुक आएगा तो ये हैंग करेंगे हम ये ट्रक के हैं ट्रक के साइड में जो लगे हुए हाँ वही वाले हैं निकाल कर उन्होंने से टांग दिए हैं बस कपड़े आयरन करने के लिए प्रेस लेके आई हूँ ये देखो फ्रेंड्स प्रेस है ना ब्रश भी लेके आई हूँ की छोटे मोटे कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं लेकिन ये खुलता भी है इससे क्या होगा ब्रश करने के लिए जिसका मुँह बड़ा हुआ ब्रश कर लिया ऐसे सेंटेड कैंडल्स थोड़ी सी भुलक कर हो गए तो स्टिकी नोट्स लेके आई हूँ कल क्या क्या करना है वो दरवाजे पे चिपका के या दवाइयाँ भी भूल जाती हूँ तो फिर वो हम इस पे लगा के रख देंगे ये फ्रेग्रेंस के लिए वॉशरूम के लिए इसका ऐसे फॉइल निकाल दिया क्योंकि वॉशरूम में बहुत सख्त जरूरत है इसकी रमजान में तो और चुप रहा ये लेके आया है साबुनदानी ये जब किसी से दुश्मनी निकालनी होगी तो बैठ के मैं पी रही हूँ चाय और सर यहाँ पे पढ़ रहे हैं बड़ा सुकून मिल रहा है आज इफ्तार के बाद भी चाय नहीं पीती तो अभी बहुत मन कर रहा है अभी सहरी में कुछ टाइम बचा हुआ है सनी आज बहुत ज्यादा थके हुए थे तो वो सो गए हैं तो मैं चल के कुरान पाक पढ़ लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स 12 पढ़ के हो चुका है अब हो गया सहरी टाइम सनी भी सो रहे हैं मुझे पूरी सहरी बनानी है और खुद से बनानी है और कोशिश करना है कि मैं अकेले शूट भी कर पाऊँ टाइम पे बनानी है वो भी पराठे बनाने और आटा भी नहीं गूंदा हुआ तो बहुत सारा काम है बालकनी मेकओवर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा तो आप लोग जरूर आइएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और भी इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहेंगे आप सबको क्या करना है हमें दुआ में याद रखना है और हम सब भी आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह आप सबको खुश रखे अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स